मैं यहाँ कैसे आ गया? मेरा पैरासूट शायद वो रहा मेरा पैरासूट। शायद मेरे साथी मुझे ढूंढने के लिए आ गए। मैं यहाँ हूँ। ओह गॉड, मेरे दोस्त भी चले गए यार। हम मुझे खुद की स्वयं की रक्षा खुद करनी होगी। ये कैसी आवाज? मैं बहुत जानवरों की आवाज सुनाई दे रही है। ये शायद तो शेर की आवाज लग रही है। ये रहा शेर। थैंक गॉड, तूने बचा लिया। तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मुझे स्वयं की रक्षा के लिए हथियार बनाना पड़ेगा, जल्द से जल्द। नहीं तो कोई इस घने जंगल का कोई ठीक नहीं। कभी भी कोई खतरा आ सकता है, इसलिए जल्द से जल्द मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कोई हथियार बनाना पड़ेगा। हथियार के लिए ये तो मेरी बोतल थी। क्या यार, तूने डरा दिया। पहले मैं हथियार बनाऊंगा। मुझे हथियार बनाना है। ये सही है। अब देखता हूं साला कौन शेर आता है। शेर की माँ की हाथ। लेकिन मुझे एक एक कदम संभल के चलना पड़ेगा। मुझे एक एक कदम फूक फूक के रखना होगा। कब कौन खतरा कहां आ जाए। ये जंगल बहुत खूंखार लगता है। हम मुझे यहां से कैसे भी बच के अपने घर तक जाना है। ये कौन सी नई आफत है? मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी की जरूरत है। ये शायद हरी घास मेरी प्यास बुझा सकता है। ये हरा घास शायद मेरा प्यास बुझा सकता है, क्योंकि इसके जड़ों में हरे हरे घास से नमी होगी और इस मिट्टी को निकाल के निचोड़ के मैं दो बूंद पानी जरूर पी सकता हूं। इसको पहले निकालना होगा, इसकी जड़ों को। पानी तो बाद में छोड़ो, प्यास उतनी भी नहीं लगी थी। मैं अपना हथियार तो भूल ही गया। अब कौन सा खतरा कहीं मडरा सकता है, ये कोई ये नहीं कर सकता। मुझे भूख भी लगी है बहुत। मच्छर भी काट रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द कुछ खाने के लिए ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। शायद यहां मुझे कुछ खाने को मिल जाए। देखता हूं, यहां तो कुछ भी नहीं है। ये क्या है? चटाका पटाका। शायद इससे मेरी भूख मिट जाएगी। अरे चटाका पटाका। ए भगवान, जैसे आपने
चटाका पटाका दिया है, वैसे ही कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो मजा आ जाए। पहले मैं खा लेता हूँ। कैमरा मैन तू क्या कर रहा है? अरे बंद करो कैमरा यार, खाने दो पहले। चटाका पटाका तो खा लिया, अब चलना पड़ेगा, नहीं तो शेर मुझे खा जाएंगे। लेकिन मैं खाने नहीं दूंगा, और कुछ मिल जाए खाने के लिए। ये क्या है, ये कौन सा पत्ता है? ये पत्ता कुछ भी हो सकता है, इसे नहीं खाना चाहिए। अजीबोगरीब पेड़ देखने को मिल रहे हैं। आइए चलिए मेरे पीछे आइए, मेरे पीछे आइए कैमरामैन। मेरे कैमरामैन भैया जरा यहाँ जूम करिएगा, ये देखिए, ये शायद हॉट डॉग ब्रेड है। ये हॉट डॉग ब्रेड का पेड़ है, ये हॉट डॉग ब्रेड तोड़ लेकर हमें। काफी ताजे से ताजे हॉट डॉग है यहाँ पे, ये ऐसे बहुत सारे हॉट डॉग यहाँ पे लटके हुए हैं। ये पेड़ में से खा लूंगा, वैसे बैग में रखता हूँ। आगे चलते देखते हैं कि और क्या मिलता है। इसे रात का मेरा भोजन हो गया, डिनर हो गया। चलते हैं भैया, चलिए चलते हैं अब आगे और देखते हैं और क्या मिलता है। मुझे झरने की आवाज आ रही है, पानी की, हो सकता है यहाँ पास में कहीं झरना हो। इस झरने की आवाज का पीछा करके मैं चलता हूँ। ये क्या सर? अरे झरना तो बाद में भी देख लेंगे, बाद में पानी को तलाश करेंगे, पहले इधर चलते हैं। बहुत प्यास लगी है मैं और मेरे कैमरामैन को बहुत। ये क्या है? ये गुलकोंडी, गुलकोंडी का पेड़ है। वाह, ये देखिए दोस्तों, ये गुलकोंडी का पेड़ है, और मैं से हिलाऊंगा ये शायद, ये गुलकोंडी कैसे पीऊंगा, शायद हिलाने के बाद कहीं मुझे पानी मिल जाए। ये रहा पानी, गुलकोंडी। वाह क्या बात है, गुलकोंडी और पानी दोनों ही एक साथ एक पेड़ पे फलते हैं। ये तो अजीबो गरीब बात हो गई, शायद इसे पी के थोड़ा मजा आ जाए। कैमरा वाले भैया जरा जूम करिए, यहाँ देखिए, अगर आप जंगल में ऐसे फंसे हैं तो आप कहीं ध्यान रखिए, गुलकोंडी का पेड़ आपको मिलेगा, और गुलकोंडी का अगर आपको पेड़ मिलता है तो उसके साथ बोतल भी एक मिलता है, पेड़ में बहुत सारे बोतल होते हैं। तो इसे हम ऐसे गुलकोंडी को घोल लिया है, हिलाएंगे, खोलेंगे ढक्कन, या ये है एक नई ताजगी का एहसास, गुलकोंडी। कैमरा वाले भैया पी लीजिए यार, बहुत थक चुका हूं मैं। ये क्या है हा? ये क्या है? मेरे आंख में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्या सिगरेट, गोल फ्लैक। अरे जब यहाँ पे सिगरेट है तो माचिस आसपास ही होनी चाहिए, किस आसपास ही होनी चाहिए, कहाँ गई माचिस, मुझे ढूंढना पड़ेगा माचिस, कहाँ है माचिस। ये रही माचिस, इस जंगल में सिगरेट और माचिस, क्या बात है, थोड़ा पी के चेक ही कर लेता हूँ। वाह टेस्ट काफी अच्छा है, अच्छी ब्रांडेड सिगरेट है, टेस्ट काफी अच्छा है, और इस घनघोर जंगल में सिगरेट पीने का मजा ही कुछ और है। कैमरा ऑन है क्या? अरे यार कैमरा बंद करो, तुम भी पियो, सिगरेट बार बार नहीं मिलता जंगल में, मिल गया है। आप ही पी लीजिए, हम कैमरा मैन ही बना रहेगा, कोई बात नहीं, रात के खाने के लिए भोजन के लिए बचा के रखूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत
क्वांटिटी कम है, यहाँ पे दो है, तो भोजन के बाद मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। मैं इसे अपने बैग में डाल देता हूँ। और इसे इसमें जहर भी हो सकता है। जहर? ये दिन भी ढल रही है, मुझे दिन ढलने से पहले अपने घर तक पहुंचना पड़ेगा। शायद चारों तरफ घनघोर जंगल है और क्या करना पड़ेगा पता नहीं। मैं ये कैसे जाऊं, दिन भी ढल चुकी है, ढलने ही वाली है। मुझे कुछ ये रास्ता कैमरामैन, मुझे लग रहा है ये रास्ता जरूर शहर तक जाएगा। हमें इस रास्ते का पीछा करना चाहिए। बिल्कुल सर, खाई है, खाई है। ये कैमरामैन, ये खाई से कुछ कहना, खाई है। ये रास्ता हम चलेंगे, ये रास्ता हमारे शहर तक ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये बहुत सारे खूंखार जानवर हो सकते हैं, तो इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी और सावधान होकर चलना होगा। यहाँ पे कोई भी खूंखार जानवर हो सकते हैं, हमें अपनी रक्षा खुद करनी होगी, यहाँ कोई नहीं आएगा। कैमरामैन चलो, देखेंगे जो होगा। ये क्या है? ये खूंखार मकड़ी है। कैमरामैन इस पे जूम करो, इस खूंखार मकड़ी कहीं हम पे हमला नहीं कर दे। बच के सावधान रहना, ये मकड़ी बहुत खतरनाक है, इसे मारना पड़ेगा। लेकिन मारना तो अच्छी बात नहीं है, इसने अटैक कर दिया तो नहीं नहीं करेगी। बचना कैमरामैन। थैंक गॉड इस घनघोर जंगल से मैं बाहर निकल गया। अब लग रहा है मैं जिंदा बच जाऊंगा। शायद यहाँ मुझे पानी की आवाज सुनाई दे रही है, हो सकता है करीब यहाँ पे झील हो, तो चलिए लेट्स गो कैमरामैन, जल्दी फॉलो मी। हो सकता है यहाँ झील है। ये है ये यही झील है, इसी की आवाज आ रही थी, इसी के झड़ने की आवाज आ रही थी। ये झील काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। अब शायद मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। हम लोग शहर बस पहुँचने वाले, अगर मैं मिल गया दोस्तों आपको तो मैं वैसे वर्ल्ड का पार्ट टू जरूर बनाऊंगा, और अगर नहीं बन पाया तो दोस्तों अगर यही मेरी आखिरी दिन है तो नहीं बना पाऊंगा, ये तो पार्ट टू में जरूर बनाने वाला हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑडियो जंगल।